नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृति क्रिएशन में। दोस्तों, पहली वीडियो में मैंने आपको नाप लेने का तरीका बताया था, फिरोक जो अम्ब्रेला सूट होते हैं उसका 12 साल की बच्ची का हमने नाप लिया था, उसमें एक एक चीज आपको समझाने की मैंने पूरी कोशिश की थी। अब ये हमारी जो दूसरी वीडियो होगी उसी नाप के अकॉर्डिंग हमें कटिंग और स्टिचिंग सीखनी है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा पीस ये लिया हुआ है। तकरीबन ये हमारा 60 सेंटीमीटर का पीस होगा। एक हमने आधा मीटर अस्तर लिया हुआ है ऊपर चोली के लिए, और 2 मीटर नीचे के घेर के लिए हमने ये वाला फैब्रिक लिया हुआ है। ये हमारा ऊपर बॉडी का वर्क वाला होगा, वर्क के साथ मैचिंग करते हुए हमने नीचे का घेर वाला फैब्रिक लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम नाप जान लेते हैं। जो हमने नाप लिया था, जो हमने लेंथ ली थी 41 तैयार हमारी लेंथ आएगी यहाँ पे। जो चोली की लेंथ होगी वो आएगी 11.5 इंच। जो बच्चे का छाती का नाप था 12 साल के, वो 28 इंच था। 3 इंच प्लस करने के बाद हमारा 31 हो जाता है, और हाफ हिस्सा जो फ्रंट का जैसे आएगा इसका 15.5 आएगा। वेस्ट होगी हमारी 23.5, 3 इंच प्लस करेंगे, यहाँ पे भी 3 इंच की लूजिंग दी जाएगी। बच्चे हों चाहे बड़े, कम से कम आप 2.5 से 3 इंच की लूजिंग जरूरी होती है, ये आपने ध्यान रखना है। तो 3 इंच प्लस करने के बाद हमारा 26.5 होता है, जिसका हाफ हिस्सा हमारा 13.25 इंच तैयार आएगा। और बाजू हमारी 16 है, 7.5 इंच ओपनिंग है, और तीरा हमारा 12.5 इंच है। इसी नाप के अकॉर्डिंग हम आपको कटिंग करके दिखाएंगे। दोस्तों, एक चीज मैं आपको साथ ही ये बता दूं, अगर आपका जो बच्चा हेल्थी है, जैसे अभी कमेंट करके इसी वीडियो में हमें पूछा गया था पहली वीडियो में, अगर जैसे बच्चा हेल्थी है, जैसे 30 या 31 इंच छाती का नाप है उसका, तो आपने तरीका सेम यही है, मतलब बढ़ाना लूजिंग आपने 3 इंच की देनी है, और कटिंग का भी तरीका हमारा यही रहेगा। सिर्फ उसमें क्या होगा, चोली की लेंथ बढ़ेगी, और लेंथ जो होगी उस हिसाब से रखना है, लेंथ का नाप ले लेना है। और जैसे 30 है तो तब भी आपने 3 इंच प्लस करना है, और 32 है तब भी आपने 3 इंच प्लस करते हुए कटिंग करनी है, अगर हेल्थी बच्चा होता है तो। आइए शुरू करते हैं कटिंग। कटिंग में हम सबसे पहले अस्तर की कटिंग करते हैं, जो कि हमने ये अस्तर लिया हुआ है चोली के लिए। यहाँ पे दोस्तों हमने चोली के लिए जो अस्तर लिया है इसको फ्रंट बैक के लिए सेट कर लिया है, ऐसे डबल करते हुए। अब हम यहाँ पे लेंथ रखेंगे, जैसे हमने 11.5 इंच यहाँ पे तैयार रखनी है, तो हम यहाँ पे 1.5 इंच बढ़ाएंगे, तो 13 इंच यहाँ पे चोली का निशान लगाएंगे, 13 इंच का। और इसके बाद जो हम आर्मोल का लगाएंगे, ये लगाएंगे हम यहाँ पे 6.25 इंच का। इस तरीके से आगे तक बढ़ा लेते हैं। अब हम साइज, जैसे मैंने बताया था, ऊपर से रखना है हमें 15.5 इंच, तो हम यहाँ पे 7.25 इंच पे निशान लगाएंगे। और जो कमर रखनी है हमें रखनी है 13.25 इंच, तो 13.25 का हम 6.5 से 1 पॉइंट ज्यादा लगाएंगे इस तरीके से। अब इस निशान को इस निशान से यहाँ पे मैच करेंगे इस तरीके से। गला जो हमें बनाना है यहाँ पे बोटनेक बनाना है, तो वो रखेंगे 7.5 बच्चे का, और जो डीप रखेंगे वो रखेंगे यहाँ पे 3 इंच। इस तरीके की नेक लाइन होगी हमारी ये वाली, और यहाँ से शोल्डर जैसे हमारे 12.5 इंच है, तो हम यहाँ पे 13 इंच कटिंग करेंगे इस तरीके से। 6.5 पे निशान लगाएंगे, एक निशान 6.5 पे यहाँ पे लगाएंगे, और एक निशान अंदर की साइड लगाएंगे 0.5 से 1.25 इंच पे। 0.5 इंच पे ही काफी होता है बच्चे का, ज्यादा नहीं लगाना है। यहाँ पे इस तरीके की गोलाई देते हुए कंप्लीट करेंगे। जो निशान हमारा सीधा आता है यहाँ पे, इससे हम हल्के से यहाँ पे इस तरीके से गोलाई डालेंगे, ये बैक साइड के लिए है। अब हम यहाँ पे हमें हल्का सा 0.5 इंच का शोल्डर डाउन भी करना होता है, ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ 0.5 इंच का करना है। और यहाँ पे बिल्कुल बराबर कटिंग करते हुए निशान के ऊपर सबसे पहले बैक वाले पॉइंट पे कटिंग करेंगे, आगे की साइड मार्जिन रखेंगे इस तरीके से। अब हम फ्रंट के निशान के ऊपर कटिंग करेंगे, इस तरीके से हमने फ्रंट के निशान के ऊपर कटिंग की है। अब हमें एक चेंज करना होता है, यहाँ पे एक निशान लगाएंगे तकरीबन 1 इंच के ऊपर, और यहां से हल्की सी गोलाई देते हुए इसमें इस तरीके की शेप डालेंगे, ऐसे हम यहाँ पे शेप डालते हैं। बाकी हमारी कंप्लीट कटिंग हो चुकी है अस्तर की। जैसे हमने ये अस्तर कटिंग किया है, मेन फैब्रिक भी हम सेम इसी तरीके से कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट बैक दोस्तों मेन फैब्रिक भी हमने यहाँ पे कटिंग कर लिया है।
अब हमें नीचे का जो ये कपड़ा है ये फ्रॉक स्टाइल में कटिंग करना है। तो फ्रॉक स्टाइल कैसे करते हैं, यहाँ पे जैसे ये हमारे पास 2 मीटर कपड़ा है, इसको डबल कर लेना है ऐसे, और यहाँ पे इस तरीके से बिछाना है जैसे हम पजामी वगैरह कटिंग करते हैं ऐसे, यहाँ पे ट्रायंगल शेप में इस तरीके से इसको अच्छे से सेट करना है। इस प्रकार इसको हम बिछा लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमने ये फैब्रिक बिछा लिया है। अब हम ऊपर यहाँ पे ये फ्रंट रखेंगे ऐसे, यहाँ पे इस तरीके से फ्रंट रखेंगे और यहां से हम लेंथ लेंगे पूरी ऊपर से, जैसे हमारी 41 है तो यहाँ पे हम 43 पे मार्क करेंगे इस तरीके से, 43 पे। इसी तरीके से आपने 43 पे यहाँ पे निशान लगाने होते हैं। यहाँ पे थोड़ा कम भी हो जाएगा आधा इंच तो चल जाता है। और इन निशानों को हम एक दूसरे से ऐसे यहाँ पे मैच करेंगे इस प्रकार। अगर आपको यहाँ पे घेरा ज्यादा लगता है तो आप यहाँ पे घेरा भी कम कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, क्योंकि बच्चे का कई बार ज्यादा घेरा नहीं चाहिए होता, तो आप इस तरीके से यहाँ पे इसको कम कर ले ऐसे करते हुए। और जैसे हमने यहाँ पे नीचे निशान लगाया है, हल्का सा मैंने यहाँ पे घेर भी कम किया है, तकरीबन 2 से 2.5 इंच यहाँ पे घेर भी कम किया है। तो सबसे पहले तो हम इसी निशान के ऊपर यहाँ पे कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ पे इसी शेप में निशान लगाएंगे जैसे ये गोलाई में है। बड़ों में क्या होता है, कई बार हमें थोड़ी गोलाई ज्यादा देनी होती है और उसका कटिंग का थोड़ा अलग तरीका है, लेकिन बच्चों के लिए ये काफी है। इस तरीके से यहाँ पे कटिंग करेंगे और यहां से हम सीधी कटिंग करेंगे, साथ में चारों पीस इकट्ठे कटिंग कर देते हैं ऐसे। तो ये नीचे का हमारा घेर कटिंग हो चुका है। आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे इस साइड में हमारा 30 इंच आ रहा है तो यहाँ पे हमारा इस साइड भी 30 इंच आना चाहिए इस पॉइंट से, ये आपने ध्यान देना है बस, और इसमें कोई ज्यादा चक्कर नहीं होता। अब हम यहाँ पे ये पीस तो हमारा कटिंग हो चुका है, ऊपर की ये बॉडी है और ये नीचे का घेर है, बॉडी में हमने अस्तर लगाया है। अब हम बाजू कटिंग करेंगे। तो बाजू के लिए दोस्तों जो हमारे पास आगे से कपड़ा बचता है गोलाई के बाद, घेर के बाद, उसमें से ही आसानी से आ जाएंगी। 16 इंच की बाजू है, हम यहाँ पे 18 इंच का पीस ऐसे कट कर लेते हैं। और यहाँ पे जो बाजू की कटिंग करेंगे इस तरीके से फोल्ड करेंगे पहले, यहाँ पे एक निशान लगाएंगे ऊपर की साइड, एक निशान लगाएंगे यहाँ पे 2.5 इंच पे, क्योंकि बच्चों में आपने 2.25 से 2.5 इंच लेना होता है, ज्यादा नहीं लेना। फिर हमारी 16.5 पे जो 16 इंच तैयार आएगी लेंथ, और आगे की साइड फोल्ड करने के लिए ये वाला रहेगा। आपने जो भी शेप डालनी हो यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे अम्ब्रेला शेप डालनी हो तो वो भी हल्की सी बेल शेप यहाँ पे आ जाएगी। और जो आर्मोल रखेंगे हम, सबसे पहले इस निशान को सीधा करेंगे और यहाँ पे जो आर्मोल आएगा हमारा, जितना हमारा साइज होता है ब्रेस्ट का, छाती का, जैसे हमारा यहाँ पे 28 इंच है तो 7 इंच यहाँ पे आता है चौथा भाग, उसमें से 1 इंच आपने माइनस कर देना है। और यहाँ पे मैं हल्की सी बेल शेप डालूंगा क्योंकि बच्चों की अच्छी लगती है, इस तरीके से ऐसे यहाँ पे इस तरीके से हम कटिंग करेंगे। आगे से इसको बारीक फोल्ड करेंगे तो ये बाजू हमारी अच्छी बन जाएगी, सेव अच्छी आएगी यहाँ पे इस तरीके से। इसमें गहराई देने की जरूरत नहीं है, आपने इसी प्रकार यहाँ पे कटिंग करनी है, क्योंकि बच्चों में गहराई नहीं दी जाती, ऐसे ही आप काट सकते हो। यहाँ पे दोस्तों मैं एक वो भी डालूंगा यहाँ पे जो कट डालते हैं, तो ये रखा है मैंने यहाँ पे 2 इंच, और इस साइड से रखा है मैंने यहाँ पे 1 इंच, और यहाँ पे इस तरीके की गोलाई डालेंगे। तो ये हमारा चौड़ा हो जाएगा जब हम इसको तैयार करेंगे। जैसे इसको क्या करेंगे, बाहर की जैसे तैयार करते हैं रेब वाली पट्टी से, तो इसकी जो चौड़ाई होगी यहां से ज्यादा आ जाएगी, जितनी अब यहाँ पे देख पा रहे हो आप, इससे ज्यादा आएगी, तकरीबन 1 इंच। और लंबाई तो हमारी इतनी आएगी जो कि बच्चे के लिए अच्छा लगेगा हल्का सा यहाँ पे कट। तो अब हमारी कटिंग तो हो गई है कंप्लीट, अब स्टिचिंग सीखते हैं, स्टिचिंग कैसे करते हैं।
स्टिचिंग में दोस्तों सबसे पहले हमें चोली तैयार करनी होती है। तो जो अस्तर है वो हम यहाँ पे नीचे की साइड में ऐसे रखेंगे इस तरीके से, और ऐसे रखते हुए यहाँ पे एक पैर की सिलाई से सभी जगह से इसको स्टिच कर लेंगे। इसी तरीके से बैक साइड को भी तैयार करेंगे, फिर हम इसमें नेक लाइन बनाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने दोनों फ्रंट और बैक में चोली में यहाँ पे ये अस्तर ज्वाइंट कर लिया है। जैसे आप देख रहे हो पूरा अस्तर हमने एक पैर की सिलाई से ज्वाइंट कर लिया है। अब हमें यहाँ पे ऊपर की साइड नेक लाइन बनानी है, जिसके लिए हमने यहाँ पे ये बुकरम ली हुई है। जो हम ब्रोडर लेंथ रखेंगे 7.5 बोला था, लेकिन हम 8 इंच रखेंगे यहाँ पे, थोड़ा मैंने और बढ़ा दिया है। और जो डीप लेंथ रखेंगे वो रखेंगे 3 इंच, 3 से 3.25 इंच। इस तरीके से हम बोट नेक कटिंग करेंगे इसी निशान के ऊपर। बाहर की साइड हम 0.5 से 1.25 इंच मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करेंगे। इसी साइज का हम बैक साइड के लिए भी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा फ्रंट का होता है, बैक के लिए भी कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों दोनों नेक लाइन हमने कटिंग कर ली है बोट नेक वाली। तो अब हम इनको सिंपल तरीके से जैसे नॉर्मल गला तैयार किया जाता है, एक इस साइड में ज्वाइंट कर लेते हैं बैक साइड में और एक यहाँ पे। तो दोनों गले तैयार करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा आगे हम कैसे इसको तैयार करते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया था, तो हमने यहाँ पे बोट नेक अपने तैयार कर लिए हैं फ्रंट और बैक में। ये हमारी नीचे की साइड होगी। अब हम यहाँ पे साइज के हिसाब से शोल्डर भी हमने ज्वाइंट कर लिए हैं और साइज के हिसाब से यहाँ पे ज्वाइंट करते हैं। तो जैसे हमारा यहाँ पे जो साइज है ऊपर से है 15.5 इंच, तो हम सेंटर पॉइंट का ध्यान रखते हुए इस तरीके से 7.5 पे इधर निशान लगाएंगे और 7.5 पे इधर लगाएंगे 15। और जो कमर है हमारी ये आएगी 13.5 इंच, तो हम यहाँ पे 13.25 पे मार्क करेंगे ऐसे, और यहाँ पे साइड जोड़ देंगे। जो ये वाला पॉइंट होता है इसको हम इस तरीके से फोल्ड करते हैं और यहाँ पे भी सिलाई लगाएंगे। सेम इसी तरीके से इस साइड को भी तैयार करते हैं। दोनों साइड दोस्तों हमने यहाँ पे तैयार कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे बाजू ज्वाइंट करेंगे। ये जो हमने बाजू कटिंग की हुई है, सबसे पहले जो इसमें हमने कट डाला हुआ है ऊपर की साइड, ये तैयार करते हैं। इसको तैयार करने का मैं आपको तरीका बताऊंगा। हमने कपड़ा लेना है, उसमें से ओरे वाली पट्टी कटिंग कर लेनी है। तकरीबन हमारी ये ऐसी होनी चाहिए 1.5 इंच चौड़ाई वाली, 1.5 से 1.25 इंच चौड़ाई वाली। और यहाँ पे इसको हम डबल करेंगे ऐसे, और यहाँ पे इस तरीके से रखते हुए एक पैर चौड़ाई वाली सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ पे कट लगा लेते हैं इस तरीके से हल्के हल्के गोलाई में। कट लगाने के बाद इसको हम इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे।
तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पे ये ओरे वाली पट्टी अपनी लगा ली है, ये हम अब प्रेस से अच्छे से सेट कर लेंगे तो ये अच्छी तरीके से बैठ जाएगी। सेम इसी तरीके से दूसरी बाजू पे भी लगा लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने दोनों बाजुओं में यहाँ पे ये कट डाल दिए हैं। अब हम इनको आगे की साइड से फोल्ड कर लेते हैं, जितना हमने मार्जिन लिया हुआ था उतना ही हम आगे की साइड से यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे। बारीक फोल्ड करूंगा मैं थोड़ा इनको, क्योंकि हमने हल्की सी बेल शेप, बेल वाली शेप बनानी है तो उसमें बारीक फोल्ड ही अच्छा लगता है। इसी तरीके से दूसरी बाजू भी आगे से फोल्ड करेंगे। अब दोस्तों जैसे हमने यहाँ पे ये देखना है आगे से तो फोल्ड कर दी है कि हमें आर्मोल किस तरीके से ज्वाइंट करना होता है, तो हमने यहाँ पे एक इंच का कटिंग किया था, मतलब टोटल ये दो इंच था, आधा आधा इंच हमारा मार्जिन कहा जाता है, तो हम यहाँ पे डेढ़ इंच तकरीबन हमारा ये वाला पॉइंट आएगा, तो डेढ़ इंच पे यहाँ पे सेंटर पॉइंट में इस तरीके से निशान लगाएंगे। ये हमारा डेढ़ इंच हो जाता है और यहां से इस तरीके से हम नाप के देखेंगे तो ये हमारा फिक्स निशान पे आता है, तो बिल्कुल ठीक है, यहीं पे हमने निशान लगाया था और यहीं पे ये बाजू हमारी आती है। अब हमें यहाँ पे आगे से सिलाई लगानी है। इसको सीधा कर लेना है और अब मैं आपको बाजू ज्वाइंट करनी बताऊंगा कैसे ज्वाइंट करते हैं। तो बाजू दोस्तों हम इस तरीके से रखेंगे, यहाँ पे इस तरीके से एक पॉइंट हमें मिलाने होते हैं और बाजू का जो हमें जोड़ना है इस पॉइंट तक जोड़ना है जो हमने निशान लगाए हुए हैं दोनों साइड यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे हम ऐसे बाजू को रखेंगे और चोली की और बाजू की सिलाई मिलाते हुए हम नेक लाइन से ऐसे इसको निकाल लेंगे इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे बाजू जोड़नी है, सेंटर पॉइंट हमने यहाँ पे जो नीचे की सिलाई है ये हमने मिला ली है, यहाँ से हम सिलाई की शुरुआत करते हैं। नीचे का जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है वो हम इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं नीचे की साइड। और ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आना चाहिए इस तरीके से, जैसे आ रहा है ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे पक्का कर देना है। अब हम दूसरा जो निशान है हमारा यहाँ पे, इस निशान से ही हम दूसरी साइड ज्वाइंट करनी शुरुआत करेंगे। तरीके से हमने ये बाजू अपनी ज्वाइंट कर लिए हैं यहाँ पे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने बाजू अपनी ज्वाइंट कर ली है। अब मैं आपको सीधी साइड दिखाऊंगा, तो
तो सीधी साइड आएगी हमारी कुछ इस तरीके से, ऐसे आएगी, और ये हमने जो होल डाला हुआ है ये इस तरीके से आएगा। लेकिन अभी क्या होगा, यहाँ पे ये हमारी कच्ची लव है, इसमें हमें इस तरीके से भी फोल्ड कर देते हैं और इसको तैयार कर लेते हैं। लेकिन जो सही तरीका होता है इसमें पट्टी लगाने का होता है, इसमें हम पूरे आरमोल में एक ओरे वाली पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पे इसको फिर से पलटेंगे, जो रूम साइड होगी वो फिर से इस तरीके से लेकर के आएंगे। पलटने के बाद दोस्तों हमने यहाँ पे एक ओरे वाली पट्टी लेनी है, तकरीबन 1.5 इंच चौड़ाई वाली, और इसको यहाँ पे हम इस तरीके से रखते हैं ऐसे, और यहाँ पे पलटते हुए सिलाई लगाएंगे। जो हमारी आर्मोल ज्वाइंट करने वाली सिलाई है उसी के ऊपर हम यहाँ पे सिलाई लगाते हैं। पट्टी नीचे रखनी है ओरे वाली, और इसी तरीके से सिलाई लगाते जाते हैं। हमने यहां से शुरुआत की थी, आप देख रहे होंगे इस तरीके से ये पट्टी फोल्ड करते हुए हमने यहाँ पे तैयार कर ली है। अब जो एक्स्ट्रा हमारे पास पट्टी होगी उसको हम ऐसे कटिंग कर देंगे। अब हम यहाँ पे इसको फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। ये हमने यहाँ पे ओरे की पट्टी लगा ली है। इसके दो फायदे होते हैं, एक तो हमें इंटरलॉक करने की जरूरत नहीं होती, एक हमारा कोई भी अगर कपड़ा चुभने वाला होगा तो वो स्किन में बिल्कुल भी नहीं चुभेगा, ये बिल्कुल ठीक आएगा। अब आप इसको इस तरीके से भी छोड़ सकते हैं और ऐसे यहाँ पे फोल्ड भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मार्जिन यहाँ पे हम इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं, ऐसे करते हुए ऊपर से सिलाई लगाएंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और इसकी फिनिशिंग भी अच्छी आए। एक पैड चौड़ाई वाली सिलाई लगाएंगे ऐसे, ये उतने ही गैप में लगाते हैं जितना हमारा यहाँ पे कट है। तो दोस्तों फोल्ड करते हुए जो हमने यहाँ पे सिलाई लगाई है, सिलाई लगाने के बाद बाजू की सेप हमारी कुछ इस तरीके से आएगी, जो कि पहनने के बाद ये बहुत ही प्यारा सा कट लगता है। और सेम इसी तरीके से हमने दूसरी बाजू भी यहाँ पे तैयार कर ली है, ज्वाइंट करते हुए यहाँ पे भी हमने कट डाला है। अब हमें जैसे हमारी चोली तो पूरी तैयार हो जाती है, ये बॉडी तैयार हो जाती है, अब हमें यहाँ पे ये ज्वाइंट करना है नीचे का पीस जो घेर होता है ये वाला। तो इसमें जितना भी हमें यहाँ पे ये कमर का नाप होता है उस हिसाब से हम यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये फलकने वाला कपड़ा है हल्का सा, तो इसमें सिलाई लगाएंगे तो जिससे कि ये फलकता नहीं, वो मैं बाद में लगाऊंगा। पहले हम यहाँ पे ये जो हमने निशान लगाए हैं ये कमर के हिसाब से लगाए हैं, तो इस पे हम यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं।
साइड होगी। यहां से ये अभी हमारा 13.5 इंच है, तो 13.5 हमारा ये है, लेकिन ये हमें हमारा थोड़ा खींच रहा है, फलक रहा है, कपड़ा खींचने वाला है और रेड वाला, ये बाद में हम थोड़ा कम कर लेंगे। तो साइडों की यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। मार्जिन ज्यादा लगता हो तो हल्का हल्का यहाँ पे कम कर ले। इसी तरीके से इस साइड में सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड हमने सिलाई लगा ली है। एक बार फिर से नापते हैं तो ये 13.5 इंच है, लेकिन जब हम इसको ज्वाइंट करेंगे तो ये बढ़ जाएगा, तो इसलिए हम इसमें एक सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पे ऐसे इस साइडों से फोल्ड करेंगे और इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। इससे क्या होगा, ये खींचेगा नहीं और बिल्कुल सही आएगा। पूरे राउंड में सिलाई कंप्लीट करते हैं। सिलाई दोस्तों हमने लगा ली है, अब ये हमारा बढ़ेगा नहीं, बिल्कुल सही रहेगा। अब हमें यहाँ पे चोली अटैच करनी है, तो चोली अटैच करने के लिए सीधी की सीधी हम ऐसे इसमें डाल लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से, और दोनों साइड की यहाँ पे सिलाई मैच कर लेते हैं ऐसे, और इस साइड से ये वाली ऐसे मिलाएंगे और ऐसे इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। ऐसे सेट करने के बाद अब हम यहाँ पे सेंटर पॉइंट से सिलाई की शुरुआत करेंगे। ये सिलाई हम 1/2 इंच चौड़ाई वाली लगाएंगे और यहाँ पे हमारी सिलाई मैच करनी चाहिए दोनों साइड की, इस साइड भी और इस साइड भी। दूसरी साइड भी हमने यहाँ पे सिलाई मिलानी है। ये हमने ज्वाइंट कर दिया है सभी चारों साइड से पूरी गोलाई में। अब मैं पूरा पीस आपको सीधा करके दिखाता हूं, और नीचे की साइड हमने बारीक फोल्ड करना है। यहाँ पे जो नीचे का घेर होता है ये भी हम बारीक फोल्ड कर लेते हैं, और पूरा का पूरा पीस दिखाऊंगा आपको कैसे ये तैयार होता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पे चोली अटैच कर ली है, और नीचे की साइड की बात करें तो नीचे से भी हमने यहाँ पे ये बारीक फोल्ड कर लिया है, और यहाँ पे हमारा पूरा पीस ये तैयार हो जाता है। लेंथ की बात करें तो लेंथ भी हमारी यहाँ पे पूरी आएगी, 41 हमने कटिंग की थी तो 41 यहाँ पे तैयार आएगी इस तरीके से पूरी, और साइज भी हमारा परफेक्ट उसी नाप का हमने तैयार करके आपको ये दिखाया है। यहाँ पे बाजू भी हमने डिजाइनर बनाई है, हल्की कट वाली जो कट बोलते हैं यहाँ पे इस तरीके से, और चोली हमारी फ्रंट बैक डिजाइनर चोली है दोस्तों। ये हमने अलग से फैब्रिक लिया था जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ पे, और उसी से मैच करता हुआ हमने नीचे का पीस लिया है जो कि मैचिंग हमारी बहुत अच्छी बनी है यहाँ पे, और बाजू भी हमने यहाँ पे जो नीचे का घेर है उसी के साथ की लगाई है जैसे आप देख रहे हो, और बोट नेक हमने यहाँ पे रेडी किया है। जो बड़ों का होता है वो 9 इंच ब्रॉड होता है, बच्चों का हमने थोड़ा कम करते हुए यहाँ पे 8 इंच किया है, और बहुत प्यारा सा हमने पूरा पीस ये रेडी करके आपको दिखाया है। इसका नाप लेने का तरीका, कटिंग करने का तरीका और स्टिच करने का तरीका मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, और इस तरीके से हमारा अम्ब्रेला सूट ये तैयार हुआ है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी
प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।